તો હાલ મંચસ્થ તમામ મહાનુભાવો इसका पूजन होता है। आज कलश पूजन से वरुण देव का पूजन कर सभी नदियों के जल, खेत खलिहान की मिट्टी और कृषि प्रवृत्ति का पूजन करते हैं, वंदन करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, याद कर उन्हें नमन करते हैं, वंदन करते हैं, आमंत्रित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आप ये लिवर खींचकर सरदार की प्रतिमा का अनावरण करें, लोकार्पण करें। सैकड़ों रियासतों में बटे भारत को अखंड भारत बनाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक अभूतपूर्व प्रतिमा की परिकल्पना एक बहुत बड़ी सोच है जो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मन में थी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भारत के किसानों का आह्वान किया कि वो पुराने खेत, औजार और अपने क्षेत्र की मिट्टी को एकत्रित कर सरदार पटेल की प्रतिमा बनाने में अपना योगदान दे। और फिर ये एक आंदोलन बन गया। भारत के 28 राज्यों के 1,69,000 गांव से लोहे और मिट्टी को एकत्र किया गया। पूरे भारत के किसानों द्वारा भेजे गए इस लोहे और मिट्टी को माता नर्मदा के जल और दूध के साथ अर्पण करके एक विशाल काय प्रतिमा का निर्माण किया गया। ये विश्व की सबसे ऊंची 100